मंजर धुंधला हो सकता है मंजिल नहीं। क्या दोस्तों? कि मंजर धुंधला हो सकता है मंजिल नहीं, और दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। हाँ दोस्तों, दौर बुरा हो सकता है जिंदगी नहीं। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मठ क्लासेस पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं हिंदी में ऊष्मा गतिकी। क्या बोलते हैं? ऊष्मा गतिकी। ठीक है, आज हम देखेंगे ऊष्मा गतिकी क्या होती है। ठीक है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है सिस्टम की। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या वास्तव में, रियलिटी में थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हम याद कर लेते हैं, एग्जाम में लिख लेते हैं, लेकिन समझना है इसको, चीज़ों को रटना छोड़ना है और चीज़ों को समझना है। तो थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों ऊष्मा गतिकी, इसको हिंदी में बोलते हैं, और दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो को बोलते हैं ऊष्मा यानी हीट, जो एनर्जी की टर्म होती है, और डायनेमिक्स है वो क्या है, मोशन। मोशन का मतलब कोई चीज़ गतिशील अवस्था में है, कोई चीज़ रुकी हुई है, रुकी हुई को क्या बोलते हैं, स्थिर, स्टैटिक्स। ठीक है, रुकी है और मोशन में है यानी कि वो गतिशील है। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बनाता है। कितने शब्दों से मिलकर बनाता है? ये बनाता है दो शब्दों से। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है थर्मोप्लस डायनेमिक्स। क्या है? थर्मो, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। दूसरा शब्द है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स थर्मो को क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। और डायनेमिक्स को बोलते हैं गतिकी, मोशन। ये है मोशन, इसको बोलते हैं ऊष्मा, और इसको बोलते हैं गतिकी। तो आप इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं? इनकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? ऊष्मा गतिकी की ब्रांच। अब देखिए, एक तो ये थर्मोडायनेमिक्स होती है आपके, एक तो फिजिक्स में होती है और एक केमिस्ट्री में होती है। ठीक है, यदि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को साथ साथ नहीं पढ़े, आपको पढ़ना है, मतलब कि एक मंथ का इसमें गैप होना चाहिए। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स है क्या वास्तव में? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स है वो रसायन विज्ञान की शाखा, इसको बोलना उचित नहीं रहेगा इतना। इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, पदार्थ तथा ऊर्जा के मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, इसकी परिभाषा भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिए आप इसकी, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा। क्या? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है भाई? जिसके अंतर्गत ऊष्मा वो पदार्थ तथा ऊर्जा के मध्य मात्रात्मक मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जिसके अंतर्गत हम पदार्थ में ऊर्जा के मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसको ऊष्मागतिकी बोलते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी जैसे कि इसमें क्या होता है, हीट का फ्लो। इसका मतलब क्या हुआ था? ऊष्मा प्लस गतिकी यानी कि हीट का फ्लो, हीट ऑफ फ्लो। अब हीट है, आपको पता है, ऊर्जा है, ऊर्जा है का रूप कौन सा है, फॉर्म है ये ऊष्मा। हीट किसकी फॉर्म है? एनर्जी की टर्म है, एनर्जी की फॉर्म है।
तो हीट का जो फ्लो होता है वो किस ताप से किस ताप की ओर होता है, ये होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, उस ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा हीट आपके गमन करेंगे। ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखें माइंड में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे, जैसे आप मान लीजिए आप कमरे में हैं, ठीक है, जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, क्यों होती है? देखिए आप जब ही, जैसे ही आप बाहर गए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसा था? धूप निकल रही बाहर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर तो क्या था? कम था। और बाहर जो एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा था? ज्यादा था, मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का था और आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या था? कम था। तो हीट क्या होगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर आएगी, तो जो आपकी जो वातावरण की हीट है वो आपकी बॉडी में चल जाती है और आपकी बॉडी फिर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है और आपको फिर सर्दी नहीं लगती है। तो क्या हुआ, हीट का फ्लो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर लगा, तो जब आपको गर्मी लगती है तो यही प्रोसेस होती है। और जब आपको सर्दी लगती है तो क्या होता है? सर्दी इसलिए लगती है क्योंकि आप जैसे ही बाहर जाते हो धूप होती नहीं है, ठंड होती है, तो जिस टाइम पे आपकी बॉडी है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और जो वातावरण है उसका टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, तो आपकी बॉडी से जो जो हीट है वो निकल जाती है और वातावरण में चली जाती है। जैसे ही हीट निकलेगी तो आपको क्या होगी? ठंड लगने लगेगी। यही प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिएक्शनों के लिए, कोई जो केमिकल रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी ये थर्मोडायनेमिक्स बताती है, ठीक है। और इसमें हम पदार्थ की विस्तृत व्याख्या है कि हमको इसमें आवश्यकता भी नहीं होती। कोई पदार्थ है तो उसका टेम्परेचर इतना है, इसका दबाव इतना है, तो हम पता लगा सकते हैं कि ये पदार्थ है वो किस स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, या फिर द्रव गैस और ठोस अवस्था, इनको हम पता लगा सकते हैं। इसमें हम गैस के बारे में पढ़ेंगे, ओनली गैस के बारे में। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक बात हो गई आपको परिभाषा से समझ में। अब इसमें क्या होता है, इस लिमिट है थर्मोडायनामिक्स में कुछ शब्द है इंपॉर्टेंट, कुछ शब्दावली है, कुछ टर्म्स है, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, यहाँ पर कंटेनर ए, मैंने मान लीजिए कंटेनर ले लिया, मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर ले लिया मैंने, इसमें इसमें मैं कुछ भर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें भर दिया कुछ, ठीक है, ये मैंने इसमें कुछ पदार्थ भर दिया, ये क्या है? मैटर, ये है कुछ पदार्थ, मैंने इसमें कुछ पदार्थ भर दिया, ये क्या हो गई यहाँ पर? ये हो गई बोल, यानी कि दीवार हो गई, या कुछ बोल सकते हो आप, दीवार या बोल, ठीक है, ये पदार्थ हो गया। और इसके जो चारों तरफ ये है, ये क्या हो गया? ये आपको हो गया परिवेश, ये क्या हो गया? परिवेश। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आती है, यहाँ पर सिस्टम, तीन चीज यहाँ पर देखिए, एक तो सिस्टम आता है। अब आप पूछेंगे सर सिस्टम क्या होता है, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सिस्टम एक आता आएगा सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग सिस्टम, एक आएगा आपकी बाउंड्री। सिस्टम को बोलते हैं तंत्र बोल दो, निकाय बोल दो, कुछ भी। सराउंडिंग का मतलब होता है परिवेश, बाउंड्री का मतलब क्या होगा? आपके दीवार बोल सकते हो आप इसको, सीमा बोल सकते हो, परिसीमा बोलते हैं इसको, ठीक है, परिसीमा। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है हम जिसको अध्ययन के लिए चुन रहे हैं, ऊष्मागति के अध्ययन के लिए। मान लीजिए हमने ये मार्कर चुना ऊष्मागति के अध्ययन के लिए, तो ये मार्कर, तो ये मार्कर क्या हो गया आपका? ये हो गया सिस्टम, तंत्र हो गया, ठीक है। यानी कि जिस पदार्थ को हम ऊष्मागति के अध्ययन के लिए चुनते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम गैस, इसको यहाँ से हम बंद कर, ये कुकर ले लीजिए आपका, मान लीजिए कुकर है। अब कुकर में जो गैस है, जो पदार्थ है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ मान लीजिए दाल चावल कुछ भी है ना, तो वो पदार्थ है वो क्या है? उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। इसके डेफिनेशन किस तरीके से सकते हैं कि ऊष्मागति के अध्ययन के लिए चुना गया पदार्थ
पदार्थ क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है, जिसको हम ऊष्मा गति के अध्ययन के लिए चुनते हैं, सिस्टम कहलाता है। ये बात हो गई। अब फिर बात आती है आपकी, इसकी बात आती है परिवेश की। परिवेश क्या होता है भाई? तो परिवेश ये आपका पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड है। उसमें से क्या करेंगे हम, यदि हम सिस्टम को हटा दें ब्रह्मांड में से, यदि हम यूनिवर्स है आपका, उसमें से हम यदि इसको हटा दें, सिस्टम को हटा दें, माइनस कर दें इसको, तो क्या बचेगा अपने पास? परिवेश बचेगा, वातावरण बचेगा अपने चारों, ठीक है। तो परिवेश क्या होता है? ब्रह्मांड का वह भाग सिस्टम को छोड़कर ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? परिवेश। इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं, इसको बोलते हैं सराउंडिंग। फिर आती है बाउंड्री की बात। बाउंड्री क्या होती है? तो बाउंड्री होती है मतलब कि दो तरीके की बाउंड्री होती है आपकी, एक तो रियल बाउंड्री होती है, एक तो क्या होती है, रियल बाउंड्री होती है, एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री। क्या होती है आपके?